पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करें? यही क्वेश्चन है आपका ना। आज मैं इस टॉपिक पे बहुत डीपली बात करने वाला हूँ दोस्त, यकीन मानिए। यदि आज आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करें। पढ़ाई में मन नहीं लगता आखिर वजह क्या है, क्या आपने कभी ये सोचा है? आप कभी भी क्या आप गहराई से सोचे हैं कि क्या वजह है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता? अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कहीं और आपका मन लग रहा है, क्योंकि जब आप जो करना चाहते हैं वहां आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल सा आपका वो ध्यान, आपका वो माइंड कहीं और पर लगा हुआ है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप चाहे दोस्तों के साथ दिन रात मस्ती कर रहे हो, चाहे दिन रात अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बातें कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी, या फिर आपका पढ़ाई में मन ना लगने की वजह ये भी होता है कि आपका कोई गोल ना डिसाइड हो, आपका कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे पढ़ाई करके कहां जाना है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये वजह देखिए, क्या वजह है कि आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं या फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, आखिर वजह क्या है? वो लड़की है या लड़का है या आपके दोस्त यार हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई गोल ही डिसाइड नहीं है? अब बिना लक्ष्य के यदि आप घर से निकल जाएंगे तो भाई साहब कहां पहुंचने वाले हैं, कहां पहुंचने वाले हैं? कहीं भी नहीं पहुंचने वाले हैं। आप अपने मंजिल तक, जिंदगी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे जब आपने डिसाइड ही नहीं किया कि मेरा मंजिल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि पढ़ाई करके आप अपनी जिंदगी में, या फिर आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, वो डिसाइड करिए। पढ़ाई के फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में आप क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले कॉपी और पेन लेके बैठिए और लिखिए कि मुझे करना क्या है। अब दोस्तों, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, पढ़ाई करके कहां सक्सेस होना है, किस फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, जब आप डिसाइड कर लेंगे तो आपको एक काम करना है, डेली अपने उस फील्ड से, अपने उस लक्ष्य से रिलेटेड कुछ न कुछ हर रोज नया सीखना है, कुछ एक्स्ट्रा नया सीखना है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं वो अलग है, वो करिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा सीखिए। कुछ एक्स्ट्रा जो सक्सेस हो चुके हैं उनके वीडियोस को देखिए और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे दोस्तों आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फायदा होगा। पहली बात ये कि आपका फ्यूचर क्लियर रहेगा कि अगर मैं पढ़ाई करके इस फील्ड में जा रहा हूं तो मुझे कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी, मैं कितने अच्छे मुकाम पर पहुंचने वाला हूं, मुझे क्या मिलने वाला है उस चीज से। अब जब ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ मैं इस पढ़ाई से यहां पहुंच जाऊंगा, तो दोस्त आपका जिंदगी में कभी भी मोटिवेशन कभी भी खत्म नहीं होने वाला है दोस्तों। जिस दिन आपके माइंड से, आपके दिमाग से मोटिवेशन ये चीजें खत्म हो जाएंगी, उस दिन आप वो काम नहीं कर पाएंगे, उस दिन से आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो आप सीखते रहिए, मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि सीखिए और एक्स्ट्रा सीखिए, पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सीखिए। और दोस्तों अब हम बात करते हैं गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर फ्रेंड या फिर पड़ोसी, कोई भी हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका काम में मन नहीं लग रहा है। दोस्तों जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन लोगों से आप पीछा छुड़ा लीजिए, उन लोगों से कोई रिश्ता मत रखिए, कोई मतलब मत रखिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तो जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा उनके साथ रहने से आपको क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होंगे, जब भी आप उनसे मिलेंगे तो कुछ ऐसा वर्ड वो यूज करेंगे जिससे आपका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, आप कई दिनों तक, कई हफ्ते, कई महीने तक उसके उस शब्द से, उस सेंटेंस से परेशान रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। तो ऐसे लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, क्या जरूरत है, वो आपके किसी काम के नहीं है, वो मतलबी लोग हैं। जब उनका कोई स्वार्थ होगा आपसे तो आपके पास आएंगे, जब उनका काम निकल जाएगा तो आपसे दूरी बना लेंगे।
तो दोस्तों ऐसे लोगों से आप भी दूर रहें, कभी भी इन लोगों के करीब ना आएं, क्योंकि आपके जिंदगी में आपके लाइफ में ये लोग बहुत बड़े बर्बादी का कारण बन सकते हैं, बहुत बड़ा रीजन बन सकते हैं आपकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज से और अभी से आप ऐसा करेंगे, जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो लोग वो चीजें करने में आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, उन लोगों से आप पीछा छुड़ा लीजिए। यकीन मानिए आपका फोकस उस काम में बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। अगर अभी आप 10% 20% 30% आप उस काम पर फोकस कर पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप उन लोगों से पीछा छुड़ा लेंगे, उन लोगों का साथ छोड़ देंगे, आपका फोकस 100% उस काम पे हो जाएगा। अब दोस्तों जिस काम पे आपका 100% फोकस होगा, उस काम में आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों इस तरह के और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और आप अपनी जिंदगी में हमेशा मोटिवेट रहें। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।